एवरीवन क्या आपको कंफ्यूजन है कि इंडियन पीनल कोड की आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है सो हियर आई एम माय नेम इज पूजा पांडे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एलेक्ट जुडिशरी इंस्टीट्यूट आज मैं आई हूं हमारी रेफरेंस बुक सीरीज के साथ और जो सब्जेक्ट में टेकअप करने वाली हूँ वो है इंडियन पीनल कोड एटीन तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक बुक से शुरू करते हैं जो है प्रोफेसर एस एन मिश्रा जी की बुक ये बुक अगर आप बिगिनर हैं अपनी लॉ की फील्ड में तो डेफिनेटली आपको ये बुक फॉलो करनी चाहिए समझने के लिए बहुत इजी है और काफी सिस्टमैटिक तरीके से इसमें कंटेंट को प्रेजेंट किया गया है सबसे पहला प्लस पॉइंट क्या है कि ये सेक्शन वाइज है और सारे इंग्रेडिएंट्स को इलाबोरेट किया है और केसेस केसेस बहुत सारे हैं ताकि आप उस प्रोविजन को अच्छे से समझ सके So, मैं रिकमेंड करूंगी इस बुक को फॉलो करने के लिए अगर आप हो इन द फील्ड ऑफ लॉ पहली बार इंडियन पीनल कोड को पढ़ रहे हो इन दैट केस नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बुक नेक्स्ट बुक है पिल्लई जी की बुक ये बुक थोड़ी सी लेवल अप बुक है ये सबसे पहले तो ये कमेंट्री फॉर्म में है टॉपिक वाइज है सेक्शन वाइज नहीं है इसलिए मैं इसको फॉलो करने के लिए तो रिकमेंड नहीं करूंगी लेकिन ये बुक काफी ही इनडेप्थ है इसमें कंटेंट बहुत डिटेल दिया हुआ है तो कोई भी ग्रे एरिया है मान लीजिए आपने किसी और बुक से पढ़ा और आपको समझ में नहीं आया इन दैट केस आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं रेफरेंस के लिए रेफरेंस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं फॉलो करने के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगी नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बुक नेक्स्ट बुक है रतन लाल और धीरज लाल की ये बुक दो वर्जन में आती है एक स्टूडेंट वर्जन है दूसरा है डिटेल वर्जन उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में बताऊंगी स्टूडेंट वर्जन क्या है सेक्शन वाइज दिया हुआ है इसमें भी सारा कंटेंट और ये हेल्पफुल uh, है स्टूडेंट्स uh, के लिए क्योंकि ये स्टूडेंट वर्जन है तो बट ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी ये ऐसे मिश्रा से थोड़ी सी लेवल अप है लेकिन और कंटेंट कंसाइज है तो इसको भी आप फॉलो करने के लिए यूज कर सकते हैं नाउ कमिंग टू द अदर वर्जन ऑफ रतन लाल धीरज लाल ये स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं है ये दो वॉल्यूम में आती है और ये बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए है तो अगर आप रिसर्च स्कॉलर हो अकेडमिशियन हो प्रोफेसर हो या एडवोकेट हो आपको रिसर्च पर्पजेस के लिए कुछ भी करना है कंटेंट चाहिए इन दैट केस यू कैन ऑप फॉर दिस बुक आते हैं हम अपने नेक्स्ट बुक के ऊपर जो की है के डी गौड़ जी की बुक इस बुक के बहुत सारे एडवांटेजेस है सबसे पहले एडवांटेज ये है कि ये बुक सेक्शन वाइज है सेकेंड एडवांटेज ये है इसका कि ये थोड़ी सी इन डेप्थ है तो अगर आपको कोई भी कंसेप्चुअल है दैट केस दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्पल आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे रहे हो या आप एपीओ वगैरह के एग्जाम दे रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि के डी गौड़ की बुक सबसे फाइन बुक है क्योंकि पिल्लई में कंटेंट थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है रतन लाल और धीरज लाल में थोड़ा सा कंसाइज है

बेनिफिट क्या है यूज करने का मान लीजिए आप सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई भी कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो आपको एक जगह कंपाइल फॉर्म में इन बुक्स में मिल जाता है बट इन्हें यूज करने से पहले इनके कंटेंट की ऑथेंटिसिटी को आप चेक करिए कुछ मैं एग्जाम्पल्स के लिए बता दे रही हूँ रेगा सूर्य राव की है, ये काफी लेमैन है सो यू कैन गो फॉर इट ए के जैन की है ये भी काफी अच्छी गाइड है तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है नेक्स्ट इज फॉर सिंगल्स नाउ अगर आप किसी कोचिंग इंस्टिट्यूट के साथ एसोसिएटेड हैं आपने ज्वाइन किया है तो आप वहां के मॉड्यूल को भी यूज कर सकते हो जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को ये मॉड्यूल देते हैं उसमें फायदा क्या होता है आपके टाइम कंजम्पशन को कम कर दिया जाता है क्योंकि ये सारे मॉड्यूल्स का भी रिसर्च करके बनाए जाते हैं तो अगर आप हार्ड को जुडिशरी एस्पेरेंट हो या एपीओ के एग्जाम्स वगैरह दे रहे हो तो आप अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को भी यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए तो ये सारी बुक्स हैं जो आप इंडियन पीनल कोड के लिए यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो मैंने ऐसे ही रेफरेंस से रिलेटेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी एक वीडियो बनाया है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बाकी आप ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए थैंक यू